दोस्तों, मैंने आपको जैसा कि पहले बताया है कि सैमसंग इंडिया में उसकी एस सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जिसमें कि 3 स्मार्टफोन होंगे, जिसमें हो गए सैमसंग के गैलेक्सी S10 लाइट, S10 और S10 प्लस। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सैमसंग के गैलेक्सी S10 प्लस के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, इसके स्पेसिफिकेशन, प्राइस और रिलीज डेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की। इसमें आपको 6.4 इंचेस की QHD सुपर एमोलेड इन्फिनिटी डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। इसमें आपको दोनों साइड कर्व एजेस देखने को मिलने वाली है, जो कि एक स्मार्टफोन को काफ़ी अच्छा लुक देती है और काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है सामने वाले को भी और खुद को भी। तो प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिल सकता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर, जो कि अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन इसमें आपको मिल सकता है, यानी लॉन्च हो चुका है। अगला बात करें तो इसमें आपको इंडिया में शायद इसमें आपको एक्सिनस का 9820 देखने को मिल सकता है, जो कि सैमसंग का खुद का प्रोसेसर है। अभी तो अपने रीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि सैमसंग कहाँ पे कौन सा प्रोसेसर के साथ लॉन्च करती है। और इसकी बड़ी डिस्प्ले होने के कारण शायद इसमें आपको ज़्यादा बैटरी देखने को मिल सकती है, वो कितनी होगी अभी तक इसकी सामने नहीं आया कितनी होने वाली है। इसमें आपको 6 GB की रैम ऑप्शन देखने को मिलने वाली है और इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और कुछ लीक्स तो यूँ भी कह रही है कि इसमें आपको अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और कैमरा की बात करें तो इसमें आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलने वाले हैं, मतलब चार चार कैमरा देखने को आपको मिल सकते हैं रियर पैनल पर। और फ्रंट पर आपको इसमें इन्फिनिटी और डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, तो इसके अंदर तो डिस्प्ले के अंदर ही आपको इसमें कैमरा देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन इसमें आपको फ्रंट पर ड्यूल कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ड्यूल कैमरा से आप इसमें पोर्ट्रेट मोड भी यूज़ कर पाएंगे। अगली बात करें इसके कुछ और खास फीचर की, तो आपको एंड्रॉइड का 9.5 देखने को मिलने वाला है, जो कि सैमसंग की वन UI के साथ ही आएगा। इसमें आपको 25 वोल्ट वायरलेस फास्ट चार्जिंग मोड देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसमें आपको 3D फेस रिकॉग्निशन भी देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें एक बुरी बात यह है कि इसमें आपको 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलेगा, जो कि काफ़ी बहुत ज़्यादा बुरी बात है। इसमें आपको 3 स्टोरेज वेरियंट देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट होगा 6 GB की रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज। उसकी प्राइस रहने वाली है 80,000 रुपये, मतलब 80,000 रुपीज़ के आसपास। दूसरा वेरियंट 6 GB रैम प्लस 128 GB, माफ़ कीजिएगा 512 GB, उसकी प्राइस होने वाली है 98,000 रुपीज़, मतलब 98,000। अगला वेरियंट जो कि इसका सबसे बड़ा वाला वेरियंट है, उसकी प्राइस वो होने वाला है 6 GB रैम और 1 TB की इंटरनल स्टोरेज के साथ, जो कि सबसे बड़ा होगा इसका वेरियंट। 1 TB यार तो बहुत होती है क्या कोर्स के बारे में। इसकी प्राइस होने वाली है 1,23,000 रुपये। और सैमसंग उसके फ़ोन की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, जो कि काफ़ी बुरी बात है, क्योंकि आईफोन ने भी उसका XS Max को लॉन्च किया था, वो भी इतना इंडिया में नहीं बिका, क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो रही थी, वो भी 1 लाख से ऊपर जा रहा था। तो सैमसंग को उसकी प्राइस कम करना चाहिए, लेकिन प्राइस तो यही होने वाली है। और रिलीज डेट की बात करें तो ये लॉन्च होने वाले हैं 20 फरवरी 2019 को, यानी 20 फरवरी 2019 को ये लॉन्च होते हुए हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो बस यही था सैमसंग के गैलेक्सी S10 के बारे में। आप हमें कमेंट करके बताएं आपकी क्या राय है। तो बस आज वीडियो में इतना ही। एज ऑलवेज, भारत माता की जय।